लखनऊ में सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह ने 8 करोड़ की लागत वाले 27 विकास कार्यों का लोकार्पण किया है। वहीं लोकबंधु हॉस्पिटल में ओपीडी विस्तार भवन के कार्यों का शिलान्यास किया है। विधायक राजेश्वर सिंह ने कहा कि सरोजनी नगर में सबसे बड़ी समस्या जलभराव की है, जिसको लेकर के सरोजनी नगर में 18 नए नालों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने सीएम योगी से मिलकर अनुरोध किया है कि यहां हो रही जलभराव की समस्या को देखते हुए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बना दी जाए और इस समस्या का समाधान निकाला जाए। वहीं सीएम योगी ने इस बात को बहुत गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया है कि इस समस्या को हम जल्द ही दूर करेंगे। जलभराव की समस्या को देखते हुए माननीय मुख्य सचिव जी की अध्यक्षता में कमेटी बना दी जाए और लगातार वो जलभराव की समस्या को कैसे कम किया जाए उससे निपटे, उसके कमेटी के अंदर VC LDA, नगर निगम के मुख्य नगर अधिकारी, प्रमुख सचिव नगर विकास, सभी लोगों, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बात को बहुत गंभीरता से सुना और आश्वासन दिया है कि इसको हम दूर कराएंगे। उनका बहुत आज नालों की सौगात दे रहे हैं। लोग बंधु अस्पताल में जो हम लोग ने विधायक निधि से पैसा दिया है उसकी है, 18-12 नई सड़कें बन रही हैं उसकी है।